हाय फ्रेंड्स, आप लोग सब अच्छे रहो यही प्रार्थना करके आज का एक मीठा वाला रेसिपी शुरुआत करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हम लोगों को चाहिए नारियल, जो सबके घर में रहता है। नारियल को अच्छे से काट के उसके पीछे का छिलका निकाल के हम लोग ग्रेटेड कर लेता है। और चाहिए पीसी हुई शुगर। फ्रेंड्स याद रखना, पीसी हुई शुगर। और इसमें मैंने लिया थोड़ा जायफल का और इलायची, तीन इलायची। अच्छे से हम लोग इसको कूट लिया और कढ़ाई में थोड़ा सा एक चम्मच जैसे ही मैंने घी दिया है, एक चम्मच घी के अंदर हम लोग ये इलाच, जायफल और पीसी हुई शुगर को ऐड कर दिया। उसके साथ ऐड किया 1/4 कप पानी और कंटिन्यू हम लोग स्टियर करते हुए इस शुगर को पूरा पिघल लेंगे। फ्रेंड्स, शुगर को कंटिन्यू स्टियर करते करते जब भी शुगर का उबाल आ जाएगा और ऐसे झाग बन जाएगा फ्रेंड्स, तभी मैंने इसमें ऐड किया है 3 चम्मच देसी घी। देसी घी यूज़ कीजिए तो ही इसमें एक अच्छा सा खुशबू आता है। फ्रेंड्स मुझे पता है सबके घर में नारियल का मिठाई बनता है, लेकिन मैं जैसे नारियल का मिठाई बना रही हूँ ऐसे आप लोग बना के देखिए। इसका लुकआउट भी पूरा दुकान जैसे होएगा और इसका टेस्ट भी एकदम बढ़िया होएगा। फ्रेंड्स शुगर तो पिघल गया, आप लोगों ने देखा ही है। जैसे ही शुगर पिघल जाते हैं उसमें हम लोग ऐड कर देंगे ग्रेटेड कोकोनट को और उसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग मिक्स करेंगे शुगर सिरप के साथ। सिर्फ ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हमेशा लो टू मीडियम में रखना है। हाई में तो बिल्कुल नहीं है, मीडियम में भी बहुत ही कम टाइम रखना है। जैसे ही थोड़ा कढ़ाई हीटेड हो जाता है तो तुरंत लो में करना है। नारियल अगर जल जाएगा तो ये मिठाई अच्छा नहीं होएगा। ये नारियल फ्राई करते करते थोड़ा ड्राई हो जाएगा, तभी हम लोग मिलाएंगे 1 बाउल फ्रेश मलाई वाला दूध। फ्रेंड्स और इधर लिया है मैंने ड्राई फ्रूट्स, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया है फ्रेंड्स। और मलाई वाला दूध अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग ये ड्राई फ्रूट्स भी मिक्स कर देंगे। और देखिए जैसे इसका स्ट्रक्चर पूरा ड्राई हो गया था मलाई वाला दूध देने के बाद, इसका स्ट्रक्चर देखिए बहुत ही अच्छा हो गया, सॉफ्ट हो गया। अभी हम लोग गैस को बंद कर देंगे और एक पैन में हम लोग थोड़ा घी लेंगे और पैन में अच्छे से स्प्रेड कर देंगे, पैन को थोड़ा गर्म कर लेंगे। अभी हम लोग आधी नारियल को इसी पैन में दबा दबा के अच्छे से सेट करेंगे फ्रेंड्स। और अच्छे से दबा के सेट करने के बाद हम लोग इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे फ्रेंड्स। लेकिन सेट बहुत अच्छे से कीजिए, ज़रूरत पड़े तो फ्रेंड्स हाथ से भी बहुत अच्छे से दबा दबा के इसको सेट कर दीजिए और फ्रिज में रख दीजिए 5 मिनट के लिए। फ्रेंड्स आधी कोकोनट को तो मैं पैन में सेट कर दिया और बाकी आधी कोकोनट के अंदर मैंने थोड़ा फूड कलर मिला है ग्रीन कलर की और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। एक्चुअली फ्रेंड्स दुकान जैसे थोड़ा लिक्विड देने के लिए थोड़ा तो अलग करना ही पड़ेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा जी आप इधर खुद बनाया ऐसे दुकान जैसा स्टाइल में, और उसका स्वाद भी इतना मस्त होता है। देखिए 5 मिनट के बाद हमारा जो नीचे वाला सेट किया था वो बिल्कुल सेट हो गया फ्रिज में रखने के बाद। अभी हम लोग एक कलर वाला दूसरा सेट हम लोग ये बाउल में कर लेंगे। तो दूसरा एक बार सेट करने के बाद ही फिर से हम लोग इसको फ्रिज में रखेंगे आधा एक घंटा के लिए। आप ज़्यादा टाइम रखिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए थोड़ा टैपिंग किया और मैं फ्रिज में 1-1.5 घंटा के लिए अभी रख देंगे। फ्रेंड्स 1.5 घंटे के बाद देखिए पूरा सेट हो गया, हाथ में बिल्कुल कुछ भी मतलब एक ऑयल तक नहीं लग रहा है जैसा। फिर हम लोग इसको चाकू से पूरा चारों तरफ से निकाल लेंगे और एक थाली में इसको उल्टा करके निकाल लेंगे। फ्रेंड्स देखिए पूरा कितने अच्छे से इसको सेट हो गया है। अभी हम लोग इसका पलटी लगा के
जो लुकआउट करने के लिए ग्रीन कलर दिया था, वाओ देखिए इसका कितना अच्छा लग रहा है। और थोड़ा इसमें लगा दीजिए चांदी का पेपर। अभी चांदी का सीट लगाने के बाद मैंने इसको कटिंग कर रही हूँ। अब कट करने के बाद देखिए लग रहा है ना, ये दुकान से लेके आया है ऐसे मिठाई, किसी को पता भी नहीं चलेगा फ्रेंड्स ये नारियल बर्फी बनाया है आप लोगों ने। फ्रेंड्स इधर मलाई वाला दूध की जगह आप लोग पाउडर मिल्क भी मिला सकते हैं, उसका भी टेस्ट और भी अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ थोड़ा दूध तो मिलाना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स आप लोग देखिए इसके साइड से जो हम लोग दो कलर के साथ मिक्स हुआ बहुत अच्छा लग रहा है, इसका स्ट्रक्चर देखिए बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग इसको घर में बनाइए, आज के लिए इतना ही।